मध्य प्रदेश के सीधी में 7 आदिवासी छात्राओं के साथ स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद भोपाल तक राजनीति गर्मा गई है। पुलिस ने जहां मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं सीधी रेप केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश प्रजापति के गृहग्राम नौगवा में स्थित अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। आरोपी इन आदिवासी छात्राओं को आवाज बदलने वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से महिला की आवाज में कॉल किया करते थे, फिर उन्हें पास बुलाकर अपनी हवस का शिकार बनाते थे और इसकी जानकारी सार्वजनिक ना हो इसलिए आरोपी लड़कियों का मोबाइल भी अपने पास रख लेते थे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। बता दें, ये सनसनीखेज मामला सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वॉइस ऐप के जरिए लड़की की आवाज बदलकर स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर पहले उन्हें अपने झांसे में लिया जाता था और फिर बारी बारी से छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता था। आरोपी इतने शातिर थे कि वो स्कूल की लेडी टीचर के नाम से स्कॉलरशिप दिलाने के लिए लड़कियों को फोन करते थे, उसके बाद सुनसान जगह पर लड़कियों को बारी बारी से बुलाया जाता था और फिर उन्हें अपना शिकार बनाते थे। पीड़ित 4 छात्राओं ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। रीवा जोन के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी ब्रजेश प्रजापति और उसके साथ ही राहुल प्रजापति, संदीप प्रजापति और लवकुश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। आरोपियों ने 7 छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना को कबूल किया है, जिसमें से 4 छात्राओं ने मझौली थाने में FIR दर्ज कराई है।